नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। दे दो, मैं अपना राशिफल पढ़ रहा हूँ उसमें। नहीं दादाजी, पहले आप मेरे साथ एक चीज खेलो। अरे बहू बेटा, दादाजी अगर मम्मी को बुला पेपर फाड़। नहीं, अखबार नहीं फाड़, मुझे उसमें से कूपन निकालने। बेटा तो आप ले जाओ फिर। पर बेटा तुम लिटा क्यों रहे हो? देखो बेटा, तुमने पिछली बार डॉक्टर बनने का शौक हुआ था तो तुम असली चक्कू लेके हमारा ऑपरेशन करने के लिए आ गए थे। अभी क्या करना चाहते हो बताओ, बोलो ना क्या। देख बताओ सही, अरे आप क्या करेगा? दादाजी डरिए मत, मैं आपको दूसरी दुनिया में लेके जाऊंगा। अरे बेटा अभी दूसरी दुनिया में जाने का मेरा टाइम नहीं आया है। अब चलते हैं दूसरी दुनिया में। पर बेटा कौन सी दूसरी दुनिया में? शकल अक्का की दुनिया में। और बेटा मैं शकल अक्का को जानता नहीं, उनसे मेरी बात भी कभी नहीं हुई। हम जा सकते हैं, मैंने पूछा है। क्या बेटा हम पहुंच गए? नहीं आप पीछे जाइए। अच्छा। अरे बिस्तर से नहीं दादाजी, दिमाग से पीछे जाइए। अच्छा चला गया। आपका पिछला जन्म दिख रहा है? मेंढक दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा। तो आगे जाइए फिर बताइए क्या दिख रहा है। हाँ दिख रही है भेड़, खूब बड़े बड़े बालों वाली भेड़। लेकिन आपके तो बाल है ही नहीं, भेड़ के तो बहुत सारे बाल है। सुनो अब हो गया ना तुम्हारा काम? नहीं बताइए। कछुआ, बस हो गया तुम्हारा। तो आप पिछले जन्म में कछुआ थे? हाँ बेटा कछुआ ही था, बिना बाल वाले और स्लो चले हुए। अरे बहू बेटा, बहू बेटा, बहू बेटा, क्या हुआ पापा जी? क्यों सुबह सुबह अलार्म बने हुए हैं? अरे देखो ना बहू बेटा, बबलू को समझाओ ना। बबलू क्या कर रहा था तू दादाजी के साथ? मम्मी मैं दादी को पिछले जन्म में लेके जा रहा हूँ। क्या? अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ये ना पिछले जन्म वाले टीवी शोज देख देख के सीख रहे हैं और दादाजी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इससे पहले मेरे सर भी कर चुका है एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा? अरे वो बेटा इसको समझाओ, रोज नई एक नए खुराफात करता है ये। जानते हो कल क्या कह रहा था? कह रहा था कि नाक से पानी पियो और आंख से निकालो। क्या पापा जी आप भी, अरे ऐसे जरा जरा सी चीजों में डर जाते हैं। बढ़ती उम्र है इसकी, अब नई नई चीजें देखेगा और सीखेगा तो एक्सपेरिमेंट तो करेगा ही ना। हाँ ठीक है बेटा एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन बेटा एक्सपीरियंस भी जो है वो चूहों पे किए जाते हैं, आदमी पे थोड़े ना किए जाते हैं। वही तो, अब बच्चा है ना पापा जी, इंसानों और जानवरों में फर्क क्या समझ पाएगा। अरे वाह क्या बात है, पूरी मंडली एक ही जगह जमा है, किस बात पे ठहाके लग रहे हैं? ये तुम्हारे सपूत है ना बबलू, ये हमें पूर्व जन्म की बातें बता रहे हैं। अच्छा, अरे वाह बबलू, तेरी मम्मी तो पिछले जन्म में अप्सरा रही होगी। वही तो, फिर तो मिश्राइन हथनी होगी और वो कालिया तो पिछले जन्म में भी काला नाग ही रहा होगा। ये बताओ ना बबलू, हम सब क्या थे पिछले जन्म में? अरे नहीं भाई, हमें नहीं सुनना है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। अरे पापा जी लेकिन आपको जानने की क्या जरूरत है, आपकी शक्ल से तो दिखता है। देखो बच्चों, दादाजी लगता है पिछले जन्म में जरूर गिद्ध रहे होंगे। और दादाजी की नाक और आंखें भी बिल्कुल गिद्ध जैसी दिखती है। तो, और उनके बाल देखो साइड जैसे गिद्ध जैसे ही दिखते हैं कि नहीं? अच्छा जी आता हूँ, बाय। ए बबलू स्कूल नहीं जा रहा क्या तुझे? चल कपड़े बदल, बेटा तू टिफिन ले ले अंदर से। क्या वाकई बहू बेटा को मैं किधर लगता हूँ? गिद्ध गिद्ध। पता नहीं मैं क्या रहूंगा पिछले जन्म में,
भगवान दास। नहीं नहीं वो तो मैं इस जन्म में हूँ। तो फिर कब का पूछ रहे हो भगवान दास? शिवा शिवा पता है क्या हुआ अंदर? बबलू सबका पिछला जन्म बता रहा था तो बॉबी ने कहा कि पापा जी पिछले जन्म में गिद्ध थे। किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। पापा जी वाकई गिद्ध जैसे दिखते हैं। भगवान दास तुम मनुष्यों को दूसरों का मजाक उड़ाकर उनकी खिल्ली उड़ाकर कितना मजा आता है ना। जब बॉबी पापा जी को गिद्ध बोल रही थी तो तुम सब कितना हंस रहे थे। शिवाय तुम बेकारी बात को सीरियस कर रहे हो। भगवान दास किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। मजाक से किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती, उसकी पहचान पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। और हो सकता है जब तुम पापा जी का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें गिद्ध बोल रहे थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगा पर उन्होंने तुम सबके सामने कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं शिवाय ऐसी बात नहीं है। पापा जी हमारी बात का बुरा नहीं मानते। नहीं अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ मुझे कि तुम पिछले जन्म में क्या थे? शिवाय। नहीं उसके पहले। शिवाय ऐसे कैसे? भगवान दास जन्म मनुष्यों के होते हमारे नहीं। जब ये धरती नहीं थी तब भी शिवाय था, जब ये सृष्टि है तब भी शिवाय, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी शिवाय रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे पर ओम नहीं मिटेगा, शिवाय नहीं मिटेगा। सच कह रहे हो शिवाय तुम। मैं भी कैसे फालतू सवाल पूछ रहा था। अरे देर हो गई, अभी मैं चलता हूँ, बाय। आराम से जाना भगवान दास। क्यों? वो क्या है ना कि मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसा ना हो जाए भगवान दास कि अगले जन्म में तुम चूहा बन जाओ, गधा बन जाओ। लो भाई चाय पियो राधे, और सुनाओ कि तुम्हारे हाल क्या है? बहू बेटा नहीं है घर में, खुद ही चाय लाए। अरे देखो ऐसा है ना कि बहू बेटा गई है पड़ोस में, अपनी सहेली क्या गई है, और भग्गू तो तुम जानते हो कि सुबह दफ्तर चला जाता है, अब बच्चे भी स्कूल चले गए तो सारा दिन घर में अकेले ही रहते हो? अरे नहीं यार, वो क्या है ना कि कभी कभी बच्चे बाहर चले जाते हैं और कभी बच्चों के दोस्त घर में आ जाते हैं। और सुनाओ क्या हाल चाल? क्या बात है, कोई परेशानी? यार मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। अरे भाई राधे हमने तुम्हारी परेशानी पूछी है, सोल्यूशन नहीं पूछा है, अब वृद्धाश्रम क्यों जा रहे हो? यार मन उचट गया है। देखो राधे इस उम्र में हमसे बेवकूफी की बात तो किया मत। कैसा मन उचट गया भाई? अरे भाई तुम्हारा परिवार है, बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है, अरे भरा पूरा परिवार है तुम्हारा। है पर सिर्फ कहने को, कोई जरूरत नहीं है उन्हें मेरी। क्या मतलब? मतलब ही तो निकल गया है, पेंशन से अब घर तो चल नहीं सकता। वो कहते हैं ना जब तक जेब में पैसा है तब तक दुनिया पूछती है तू कैसा है। खैर छोड़ जाने दे, तू बता। नहीं नहीं राधे तू बोल, बोलने से मन हल्का होता है राधे। क्या बोलूं यार, मुझसे ज्यादा तो मेरा बेटा अपने फोन को देखता है, उसे पता ही नहीं रहता कि बगल में बाबूजी बैठे हैं, उनसे दो बात करूं, कोई हाल पूछूं, पोते से मिलने उसके दोस्त आते हैं तो बहू कहती है बाबूजी थोड़ा घूम आओ। इसीलिए मैं अपने बचे हुए दिन एक ऐसे परिवार के साथ बिताना चाहता हूं जहां मुझे बदला ना जाए, जैसा हूं वैसा अपनाया जाए। मैं तो कहता हूं तुम भी समय रहते अपना इंतजाम कर लो। अरे नहीं राधे भाई कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमारा पूरा घर है परिवार है, हम काहे के लिए जाएंगे वृद्धाश्रम में भाई? यार कल किसने देखा है, पता नहीं कब घर के लोगों के लिए हम मजबूरी बन जाए। अब तो सबकी नजर जताने लगी है कि जाओ कब तक यहाँ टिके रहोगे, तब अपना घर अपना नहीं रह जाता। अच्छा होगा कि ऐसे हालात आने से पहले हम अपना दूसरा रैन बसेरा ढूंढ लें, बचे कुछ दिन अब बच्चों की दया पर नहीं। यार हमारा भी आत्मसम्मान कुछ चीज है। चलो आत्माराम मैं चलता हूं, सोता था जाते जाते तुमसे मिलता चलूं, फिर जाने कब मुलाकात हो ना हो। अग्रवाल अपना ध्यान रखना। देखो बच्चों,
दादाजी लगता है पिछले जन्म में जरूर गिद्ध रहे होंगे। और दादाजी की नाक और आंखें भी बिल्कुल गिद्ध जैसी दिखती हैं। हमारा भी आत्मसम्मान कुछ चीज है। चलिए पापा जी, खाना लग गया है। बबलू बबली, चलो आ जाओ। सुनिए, आप भी जल्दी आ जाइए। अरे बहू बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, जरा न्यूज़ देख लूँ। बबलू बेटा, मुझे न्यूज़ देखने दे बेटा। अरे बेटा, चेंज नहीं करो, 5 मिनट में न्यूज़ खत्म हो जाएगी। नहीं दादी, मुझे डांस शो देखना है, मेरा फेवरेट है। अरे बहू बेटा, जैसे बोलो ना, वो न्यूज़ चैनल लगा दे। अरे सही तो कह रहा है पापा जी बबलू। अरे आपकी ये न्यूज तो सारा दिन चलती रहेगी और वही का वही तो दिखाते हैं इसमें। और इसमें आता क्या है, चोरी, डकैती, मर्डर, नेताओं का अनशन वगैरह वगैरह। आप बाद में देख लीजिएगा। वैसे ये डांस शो बहुत अच्छा है पापा जी। हाँ पापा जी, आप बबलू को देखने दीजिए ना, आप तो वैसे भी दिन भर घर पे ही रहते हैं, आप बाद में देख लीजिएगा। वही तो। ये अरे पापा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं बेटा, वो अभी इस वक्त खाने का मन नहीं है। पापा जी, अभी तो आप खाना खाने भी नहीं बैठे हैं। बगू नहीं, मेरा मन ही नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूँ थोड़ा टहल आऊं, तब तक तुम लोग टीवी देखो और खाना वाना खा लो आराम से। ठीक है, मैं होके आता हूँ अभी। किस सोच में डूबे हो भगवान दास? शिवाय, कुछ नहीं, पापा जी भी ना छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं। पर इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। हाँ है ना समाधान, मैं पापा जी को समझाऊंगा कि कभी कभी आप भी एडजस्ट कर लीजिए। अरे अगर बच्चों को डांस शो देखना है तो आप भी तो देख सकते हैं ना। सही बात है भगवान दास। ये किस खुशी में बनाई है भगवान दास? खुशी में नहीं बनाई है शिवाय, वो बबली को पसंद है ना, इसलिए। मैं थोड़ी सी ले लूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ले लो। अरे थैंक यू यार। क्या बात है, आलू की सब्जी भी? हाँ। अरे ये तो बबलू को पसंद है ना भगवान दास। अरे वाह, तुम्हें पता है? अरे क्यों नहीं पता। और गर्मा गर्म पराठे, अरे बॉबी बेटा को बहुत पसंद है मैं जानता हूँ। क्या बात है, सोने पे सुहागा भगवान दास। कद्दू से सीधा जम मटर पनीर, ये तुम्हारी पसंद है मैं जानता हूं। पर भगवान दास, पापा जी की पसंद का कुछ भी नहीं दिख रहा। अंदर बन रहा होगा ना भगवान दास? नहीं। अब ये मत बोलना भगवान दास कि पापा जी को इन सब में भी एडजस्ट कर लेना चाहिए। माता पिता का काम हमेशा देना होता है, और जाने अनजाने में कब वो अपने बच्चों की पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं ये पता भी नहीं चलता। तो हम तो उनके बच्चे, क्या हमारा इतना भी दायित्व तो नहीं बनता कि हम उनकी पसंद का ध्यान रखें? और कभी कभार उनकी पसंद को अपनी पसंद बना भी ले तो क्या फर्क पड़ता है भगवान दास? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं पापा जी का ख्याल नहीं रखता? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ पर मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। हाँ बाकी खीर बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी सी और ले लूं? हाँ तुम भी तो लो पनीर, मटर पनीर। हाँ लिया। कुछ बबलू, बेटे छोटे बच्चे शैतानी नहीं करते हैं। तो क्या बड़े बच्चे करते हैं? मेरे बाप, शैतानी छोटे बच्चे ही करते हैं। तो क्या आप भी छोटे थे? मैं भी छोटा था और तुझसे भी छोटा था। मैंने तो आपको कभी छोटा देखा नहीं। अरे बेटा जब मैं छोटा था तो तू, चल
स्कूल जाने की तैयारी करो, समझे? और सुनो, आप जूता पहनने की आदत खुद अपने आप डालो। देखो, जूता पहनने से बड़े फायदे होते हैं। देखो, जूता पहनने से पैर गंदा नहीं होता है, और जूता पहनने से पैर में कंकड़ नहीं लगता है, और जूता पहनने से आदमी जेंटलमैन लगता है। बहू बेटा, ये क्या संस्कार और शिक्षा दे रही हो तू बच्चों को? क्या हुआ पापा जी? अरे मजाक ही तो कर रहे थे। मजाक? पप्लू मुझे जूता खिलाने की बात कर रहा था। ये तुम्हारे लिए मजाक है? ये रिस्पेक्ट है मेरी इस घर में? पापा जी क्या कह रहे हैं आप मेरे पिता समान हैं। पिता समान हूँ, लेकिन पिता नहीं हूँ। बहुत फर्क होता है दोनों में बेटा, और ये फर्क मैं महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं मैं कि किस तरह से इस घर में मेरा मजाक उड़ाया जाता है। बच्चों के सामने गिद्ध कहती है मेरे सिर पे कम बाल हैं तो मेरे बालों का मजाक उड़ाती है, और अब ये जूता खिलाने की बात। अरे नहीं पापा जी, आप भी ना, अरे ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। और पापा जी, आपका और बबलू का तो ये रोज का है, तो क्या बबलू को आपके पास भेजना ही छोड़ दूं ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ये सही हल है, बहुत सही तुमने सोचा बहू बेटा। बजाय बबलू को मेरी इज्जत करना सिखाने के, बजाय बबलू को समझाने के, उसको मेरे पास ही आने से रोक दो। बहुत अच्छे बहू बेटे, बहुत अच्छे। पापा जी क्या हो, क्या गया आपको? बूढ़ा हो गया हूं मैं बहू बेटा, लेकिन बेकार नहीं हुआ। तुम मेरा सम्मान करो ना करो, मुझे इज्जत दो ना दो, मगर अपना अपमान मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखा आपने पापा जी क्या बोल के गए मुझे अभी अभी? देखा और सुना भी बॉबी? देखा तो फिर जाकर समझाइए ना उनको कि क्यों गलत गलत समझ रहे हैं सब। सब गलत नहीं है बॉबी, तुम अपने आप को उनकी जगह रख कर देखो ना। पप्लू ऐसा कैसे बोल सकता है? उसे समझाना चाहिए तुम्हें, वो ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकता है? उसे पापा जी की इज्जत करना सिखाना चाहिए। तो आपका मतलब है कि सारी गलती मेरी और बबलू की है? मैं ही उसे ठीक से पाल नहीं रही हूँ ना, मैंने ही उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब भी बुलाती हूँ उसे और इतना मारूंगी कि दोबारा ये गलती नहीं करेगा वो। बात मारने की या सजा देने की नहीं है, बात ये है कि हमने बबलू को क्या सिखाया है। अगर हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, कल को वो बड़ा होगा तो वो भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। आपका कहने का मतलब क्या है? क्या? कि मैं पापा जी की इज्जत नहीं करती? देखो बॉबी, मतलब क्या है क्या नहीं है बात वो नहीं है, लेकिन पापा जी को तुम्हारी किसी बात का दुख हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उनकी उतनी इज्जत नहीं कर रही हो जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक ही कह रहे हैं आप, पराए घर से आकर कोई कितना भी कर लेना तो भी वो पराया ही रहता है। पराया वाली बात? पापा जी, मैं और क्या कहूं आपसे? पापा जी, हम सब आपके बच्चे हैं। हम बचपने का ज्यादा फायदा उठा लिया, वो गलत है। मैं मानता हूं कि बॉबी से गलती हुई है, उसे बबलू को डांटना चाहिए था। मैं समझाऊंगा ना उसे, लेकिन आप इस तरह नाराज मत होइए प्लीज। पापा जी, मैं जानता हूं आप सो नहीं रहे हैं, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। अगर आपने माफ कर दिया हो तो एक बार करवट ही ले लीजिए बस।
बबलू बबली देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ, गरम गरम समोसे और जलेबी। ये पकड़ो। और पापा जी कहाँ हैं? वो तो अंदर सो रहे। इतनी जल्दी सो गए? हाँ, वो बबली बताओ दादाजी इतनी जल्दी क्यों सोने चले गए? दादाजी तो दोपहर से ही सो रहे हैं। अच्छा, उनकी पसंद का खाना भी बनाया था मैंने लेकिन कुछ खाया ही। अरे पापा जी आप सो रहे हैं, उठिए चलिए मैं आपके लिए गरम समोसे और जलेबी लेकर आया हूँ, चलिए खाइए। ना बेटा मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ खाओ। क्या हो गया पापा जी आपको? मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तब भी आप लेटे हुए थे, मैं वापस आ गया तब भी आप लेटे हुए हैं, और मुझे पता चला आपने खाना भी नहीं खाया, वाई? अरे बेटा अब बेटा वो तबीयत साथ नहीं दे रही है, और क्या वजह होगी? तबीयत खराब है तो आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए ना। नहीं नहीं बेटा, क्या ना कि तबीयत से ज्यादा बोरियत की वजह से मन थोड़ा अजीब सा हो रहा है। बेटा मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिनों के लिए भाई साहब के पास गांव हुआ हूँ, बहुत बुला भी रहे हैं और बच्चों की भी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं तो बहुत मजा आएगा वहां पर, सोचता हूँ एक बार तो हो ही आऊं। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं हम लोग सब लोग चलते हैं बस कुछ दिनों बाद। नहीं बेटा बाद में नहीं, पता नहीं दोबारा जिंदगी में मौका मिले ना मिले। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा जी, दोबारा मौका क्यों नहीं मिलेगा? उम्र हो गई ना हमारी, और इस उम्र पे कोई कुछ कह के थोड़ी ना होता है। आप बेटा तुम मेरी तरफ से परेशान मत हो। क्या ठीक है बचाओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, समोसा जलेबी ठंडे हो जाएंगे, जाओ खाओ और उनको भी खिलाओ, मुझे थोड़ा सा आराम कर लेने दो। हे राम। समोसे भी। चलिए जल्दी से मुंह खोलिए। नहीं 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 रख दो बॉबी, मैं बाद में खा लूंगा। अरे क्या हुआ बॉबी? तू
अभी तक नाराज हो क्या? अब क्या बोलूं मैं बॉबी? वही तो, आप कुछ मत बोलिए, मैं ही सॉरी बोलती हूँ, सारी गलती मेरी है, मुझे पापा जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, उल्टा पब्लू को समझाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, अपने बेटे की बुराई सुन के सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं है, एक काम करो, अभी पापा जी से जाकर माफी मांगो, वो भी बॉबी के स्टाइल में। वही तो, उनके लिए मैं जाकर पूरियां और कद्दू की सब्जी बनाती हूँ। हाँ। पापा जी हर किसी से लड़ सकते हैं, लेकिन कद्दू पूरी से नहीं। पापा जी, पापा जी, पापा जी, कद्दू पूरी भी फेल हो गई, अब सूजी का हलवा और पकौड़ियां ही मेरी मदद कर सकती हैं। यहीं पे पाइन ले लो, पाइन ले लो, बस 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 बस। चाचा जी रिक्शा आ गया। लेकिन चाचा जी इतनी सुबह सुबह आप जा कहाँ रहे हैं? अरे वो हमीरपुर में हमारे भाई साहब है ना, उनके यहाँ जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिठाई लाल, जाओ बेटा अपनी दुकान संभालो। हाँ पापा जी, ये रिक्शा क्यों बुलाई और ये सामान आप जा कर रहे हैं? रात में बताया तो था कि हमीरपुर बड़े भाई साहब के पास जा रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए। हाँ लेकिन ऐसे अचानक क्यों जा रहे हैं? वही तो पापा जी, बच्चों को पता भी नहीं है, जब वो सोकर उठेंगे तो मैं उनको कैसे समझाऊंगी? बेटा इसीलिए तो उनके उठने से पहले जा रहा हूँ, जिससे अगर वो जागे हो तो उनसे झूठ बोल कर न जाना पड़े। चलो भाई देर हो रही है। पापा जी। अच्छा बेटा अपना ध्यान रखना बेटा, हमेशा खुश रहना। चलो भाई। आखिर पापा जी चले गए भगवान दास। हाँ? मतलब घूमने। हाँ। पर तुम क्यों उदास हो भगवान दास? अरे बड़े भाई साहब के घर ही तो गए। नहीं ऐसे हंसी खुशी जाते ना शिवाय तो अच्छा लगता, लेकिन ऐसे पता नहीं मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। भगवान दास तुम्हें पता है कि मन भारी कब होता है? जब उस पर कोई बोझ होता है। मुझे ना उन्हें समझाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था शिवाय। तो रोका क्यों नहीं? अरे शिवाय बड़े हैं मुझसे, मैं ऐसे कैसे रोकता, जबरदस्ती कैसे करता? जब बबलू जबरदस्ती करता है तो तुम उसे रोकते हो या नहीं? कैसी बात कर रहे हो शिवाय तुम, बबलू बच्चा है। भगवान दास उम्र के इस पड़ाव में हर बुजुर्ग बच्चा बन जाता है, छोटी छोटी बातों से रूठ जाता है, लेकिन उनका भला और बुरा बड़े लोग ही तय करते हैं, और तुम तो बड़े हो ना भगवान दास। तो अभी मैं क्या करूं शिवाय? वही करो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। समझ गया मैं, अगली बार वो वापस आएंगे ना तो मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहुत अच्छी बात है भगवान दास, देखते हैं वो कब वापस आते हैं। क्या मतलब? मतलब वाह। हेलो हेलो। हाँ शिव, बॉबी अरे जल्दी चाय बनाओ, मैं समोसे लेकर आया हूँ। पापा जी आइए, समोसे लाया हूँ मैं। लेकिन दादाजी तो घर पे है ही नहीं पापा। अरे
हाँ मैं तो भूल ही गया, पापा जी तो है ही नहीं। रहने दो फिर चाय, मैं दुकान पे ही चाय समोसा खा के आया हूँ। अरे लेकिन समोसों की चिंता मत करो भगवान दास, समोसे मैं खा लूंगा। ताऊ जी आप खुश रहो, खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहो बहू। और बेटे खूब खेल हो रहा ना? बेटा पैर छुओ बड़े दादाजी के। बस 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 जीते रहो जीते रहो। और क्या हो रहा है भाई? बैठिए बैठिए बैठिए। बहू जरा चाय बना करके ला, बड़ी भूख लगी हुई है। ला भाई समोसे लाओ। हाँ क्या समोसे हैं, एकदम बेकार समोसे। अरे इससे अच्छे समोसे तो हमारे हमीरपुर में मिलते हैं। अच्छा ताऊ जी आप मुझे फोन कर देते, मैं आपको स्टेशन लेने आ जाता। और वैसे भी पापा जी। अरे बेटा क्या जरूरत थी, दो मिनट का तो रास्ता है। वैसे ये आत्माराम नहीं दिखाई दे रहा कहीं? दादाजी तो आपके घर गए थे ना? दादाजी मुझे बिना बताए चले गए, मैं बहुत गुस्सा हूँ। मेरे घर? लेकिन बच्चों मैं तो खुद ही 4-5 दिन से घर से बाहर निकला हुआ हूँ, तो फिर मेरे घर कैसे जाएंगे? बच्चों तुम लोग अंदर जाओ जरा। जी ताऊ जी, लेकिन पापा जी तो सुबह निकले तभी यही कह कर गए थे कि आपके यहाँ जा रहे हैं। हाँ सुबह, लेकिन यहाँ से तो हमीरपुर का रास्ता सिर्फ 2 घंटों का है, तब तो फिर कब का पहुँच गया होगा। बेटा बग्गू तू जरा उसको फोन तो लगा। जी हाँ। देखता हूँ कि मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है। साड़ू साहब को फोन करता हूँ। हाँ हाँ जी, जीजा को लगाइए। अरे हाँ साड़ू साहब बताइए। एक सीरियस मसला हो गया है, आप जल्दी घर आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, हम पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं। ऐसा भाई बात ऐसी है कि गुमशुदगी की जो FIR है वो 24 घंटे से पहले नहीं लिखी जाती। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी क्या बात हो गई कि चाचा जी जो है बिना बताए चले गए कहीं। जीजा सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अपने आप को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू तू बिल्कुल अपना दिल छोटा मत कर, तेरा कोई कसूर नहीं है बेटा, सब बुजुर्गों का यही हाल है। हम बुजुर्ग लोग अपने बच्चों से इतनी ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं कि उनकी छोटी छोटी बात भी हमें बुरी लगती है। तो अपने दिल को मत दुखा बेटा, बुढ़ापे का गुस्सा है, थोड़ी दूर चल करके थक जाएगा फिर रुक जाएगा। उसी तरह हमारा आत्माराम भी कोई बहुत दूर नहीं जाएगा, घर का बुद्धू घर को आएगा वापस। हाँ तुम देखना बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसा साड़ू साहब सुनिए, ऐसे हाथ पे हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होगा, चलिए चल के अपने लेवल पे उन्हें ढूंढते हैं। आइए। हाँ हाँ चलिए। जी जी ए, ए, एक मिनट एक मिनट। साड़ू साहब ऐसा है मिठाई लाल से पूछते हैं, शायद मिठाई लाल को उस रिक्शे वाले की शक्ल याद है। आओ। अरे मिठाई लाल इधर आओ। हाँ दरोगा जी। सुनो ऐसा है मिठाई लाल, सुबह चाचा जी जिस रिक्शे से गए थे उस रिक्शे वाले को जानते हो तुम? रिक्शा वाला? हाँ जानता हूँ ना उसे। वो देखिए वो हरा हो, वो देखिए चंचल हरा है, देखिए। अरे आए इधर आओ। हमारे घर से सवारी तुम लेकर गए थे सुबह? हाँ हाँ जी जी मैं ही ले गया था। अच्छा ये बताओ उनको कहाँ ले गए थे तुम? घंटाघर बस अड्डे पे ले गया था। अच्छा और उनका सामान कौन सी बस में चढ़ाया था? दरोगा जी वो तो कुछ नहीं, सामान उतरवा लिया मुझसे और वो चले गए। अब बस से गए क्या ट्रेन से गए मुझे नहीं मालूम। ठीक है जाओ। ऐसा है हाँ। साड़ू साहब आप टेंशन मत लीजिए भाई, ऐसा है चाचा जी मिल जाएंगे, हम जो है हमीरपुर चौकी में अभी उनके बारे में जो है सूचना दे देते हैं। हाँ हाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे हाँ साड़ू साहब एक काम करते हैं कि चाचा जी के पोस्टर चिपकवा देते हैं और उस पे जो है एक इनाम भी रख देते हैं, कैसा रहेगा? ये सही रहेगा, और बड़ा इनाम रखवाते हैं। हाँ। किसी भी तरह पापा जी बस वापस आ जाएं। Thank you.
क्या किया आपने? ये मेरे पिताजी की पोस्टर है और आपने उस पर थूक दिया? आपके पिताजी, माफ कीजिए, गलती से हो गया। क्या माफ कीजिए, साफ कीजिए इसे। अरे मैं क्यों साफ करूं, हो गई गलती, बोल दिया सॉरी। और इतना ही प्यार है तो खोने कैसे दिया इन्हें? पता चला क्या पापा जी के बारे में? ऐसा है, पता तो कुछ नहीं चला है, लेकिन कोशिश जारी है। परेशान मत हो बहू, ईश्वर चाहेगा जल्दी पता लग जाएगा। कहां से पता चलेगा ताऊ जी? ऐसे कोई अपने बच्चों को छोड़ के जाता है? चला जाता है बेटा। जब बात आज सम्मान पे आती है तो आदमी किसी भी हद तक चला जाता है। अंकल, आपको पता है कि पापा जी कहाँ हैं? हाँ बेटा, दरअसल इस कहानी की शुरुआत गलती से मुझसे ही हुई थी। इस पर बात करने से बेहतर होगा तुम सब फटाफट मेरे साथ चलो। कहाँ अंकल जी? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम जो हमीरपुर और कानपुर की सड़क पर है। हम सब चलकर उसे फौरन घर ले आते हैं। पिछले 2 दिन से उन्होंने ना ठीक से खाया है और ना ही सो पाए हैं। बस दिन रात एक ही रट लगाए हुए है। मान जो बेटा लग जाएगी। अरे वहां नहीं जाओ बेटा, उतने ये क्या पाप हो गया मुझसे? बॉबी, कुछ नहीं हुआ है, तुम चुप हो जाओ। जाओ जल्दी तैयारी करो जाने की। हाँ, हम गाड़ी लेके आते हैं। जाओ। उठिए बाबूजी, खाना खा लीजिए, कल से आपने कुछ खाया नहीं है। इसमें घी है कि नहीं है? बबलू बगैर घी की खिचड़ी नहीं खाता है, समझे? बबलू, क्यों आत्माराम खूब गुल खिला रहे हमारे नाम पर? सब आप जी? मैं खुश रहो। पापा जी, आपकी बहू बेटा थी ना मैं, तो क्यों आपने बहू और बेटा को अलग कर दिया? एक ही पल में पराया कर दिया मुझे। बहू बेटा, जो भी सजा दी आपने ठीक ही दी है मुझे। मैंने अपने पिता का दिल दुखाया है। मैं आपको समझ ही नहीं पाई पापा जी, बहुत ठेस पहुंचाई है आपको, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप हमारे साथ घर चलिए और आइंदा से हमसे कोई भी गलती हो ना पापा जी, तो बेशक हमको डांटिए जोर से, हमारे कान खींचिए, लेकिन इस तरह से घर छोड़कर मत जाइएगा। दादाजी, I'm sorry। मैं आपको कभी हिप्नोटाइज नहीं करूंगा, आपको कभी जूता नहीं खिलाऊंगा और आपके साथ बैठ के न्यूज देखूंगा। ओह बेटा, ओ बेटा, मैं भी तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। बेटा, मैं भी प्यार का बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। दादाजी, अगर हम बच्चों की शैतानियों की हद पर जाएं, तो आप बड़ों को सुधारना चाहिए, ना कि अपनों से दूर रहना चाहिए। पापा जी, हम सब आपके बच्चे ही हैं ना? जिस तरह से आपका ये हाल
हमारे सर पे प्यार से आशीर्वाद देने के लिए उठता है, उस तरह से सही राह दिखाने के लिए भी उठाना चाहिए ना आपको। सोच क्या रहे हो चोबे, तुम्हारे दिए हुए संस्कार ही हैं जो आज ये सब यहाँ खड़े हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो और घर जाओ। भगवान दास मुझे माफ कर दो, फिर उन बातों के कारण ही ये सब हुआ है। नहीं राधे, ऐसा मत कहो, तुम्हारी बातों की वजह से मैं यहाँ पर आया और मुझे एक नया परिवार मिला, और राधे तुम्हारी बातों से ही मुझे पता लगा कि घर क्या होता है, घर का क्या महत्व है। अच्छा अच्छा, बहुत हो चुकी तुम्हारी नाटक नौटंकी, चलो जल्दी खिचड़ी खत्म करो, असली खबर तो तुम्हारी मैं घर चल करके लूंगा, समझे? नहीं भाई साहब, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं तो घर जाके अपनी बहू बेटा के हाथों का बनाया हुआ कद्दू पूड़ी खाऊंगा। अच्छा चलो चलो, अब यहाँ पर टाइम बर्बाद मत करो, चलो सब लोग चलो। चल बेटा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।